फैमिली कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू रूबी डेली जायका। तो आज मैं लेके आई हूँ घी की दाल की रेसिपी, वो भी यूपी स्टाइल में। तो आइए इसकी मेकिंग हम वीडियो में देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए चलिए देखते हैं घी की दाल की रेसिपी, वो भी यूपी स्टाइल। तो फ्रेंड देखिए, हमने घी की दाल के बनाने के लिए एक घिया ली है, दो टमाटर, दो हरी मिर्च, तीन से चार लाल मिर्च लिए है, सूखी लाल मिर्च, और ये चार पत्ती तेज पत्ता, ये अदरक लहसुन का पेस्ट घर में बनाया हुआ है, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये हींग है, एक चुटकी हींग, ये दो चम्मच धनिया पाउडर और एक चम्मच जीरा, दो चम्मच हल्दी पाउडर और दो चम्मच गरम मसाला, और ये आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर ली है, और एक चुटकी मेथी लिया है हमने। और इसमें ये चने की दाल पड़ेगी, ये हमने चने की दाल रात में भिगो दी थी, वो है, या तो ये दोपहर में भी भिगो दे, शाम को काम आ जाता है, ये हमने रात को भिगोई थी, और ये चने की दाल है, एक कटोरी चने की दाल। उसके बाद हम पहले हम बनाने के लिए घिया को कद्दूकस कर लेंगे। तो आइए हम पहले घिया को कद्दूकस कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने घिया को कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसके आगे फ्रेंड हम टमाटर को छोटा छोटा ऐसे टुकड़ों में काट लेंगे। दोनों टमाटर को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। और ये हमने मिर्ची को भी काट लिया है, दो टुकड़े में कर लिया है, एक मिर्ची का दो टुकड़े कर लिए हैं। कुकर गरम हो गया है हमारा। अब हम इसके अंदर तेल डालेंगे, ये हम मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रहे हैं, ये हमने दो चम्मच तेल डाल दिया है इसके अंदर। अब हम इसको तेल को गरम होने देंगे। फ्रेंड तेल गरम हो गया है, अब हम इसके अंदर हमारा मेथी दाना इसके अंदर डाल देंगे। तो तेल डाल दिया है, अब हम इसको थोड़ा सा तेज पत्ता, मेथी कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे फ्रेंड। उसके बाद हम इसके अंदर हींग डाल देंगे, उसके बाद ये अदरक लहसुन का पेस्ट, उसके बाद हम इसको अच्छे से लाल होने देंगे थोड़ा सा। टमाटर डाल देंगे, टमाटर डाल दिया हमने, जो दो टमाटर काटे थे उसको डाल दिया। अब टमाटर को थोड़ा ऐसे पकने देंगे। देखिए फ्रेंड, हमारा टमाटर हल्का हल्का गल चुका है, अब इसी के अंदर हम हल्दी ऐड कर देंगे, जो हमने हल्दी ली थी उसको भी डाल देंगे। उसके बाद धनिया इसी में डाल देंगे, उसके बाद गरम मसाला जो हमने लिया था ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, और लाल मिर्च जो हमने लिया था वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मीडियम फ्लेम पर रख के इसको हम अपने मसाले को अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये कितने अच्छे से पक रहा है। अब हम इसके अंदर आधी कटोरी पानी डाल देंगे। तो देखिए, हम इसके अंदर आधी कटोरी पानी डाल रहे हैं, और अब हम इस अपने मसाले को अच्छे से पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। तो देखिए फ्रेंड, हमारा मसाला पक चुका है अच्छे से, ये डाल देंगे फ्रेंड। डाल लिया है घिया, अब हम इसके अंदर चने की दाल डाल देंगे, जो हमने चने की दाल ली थी, अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें। अब इन सबको डाल के थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ देंगे। अब इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे भी पकने देंगे, थोड़ी देर के लिए ढक के हम इसको छोड़ देंगे फ्रेंड। अब इसे हम चेक कर लेंगे। तो देखिए, अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, हम इसके अंदर पानी डाल देंगे फ्रेंड। पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आपको गाढ़ा पसंद है तो गाढ़ा, मतलब कम पानी डालें, हल्का पतला पसंद है तो ज़्यादा, तीन गिलास पानी डालें। मुझे गाढ़ी दाल ही पसंद है तो हमने दो गिलास पानी डाल दिया है, क्योंकि ये अभी पानी छोड़ता है फ्रेंड, इसलिए हमने दो गिलास डाला है। तो आप भी चाहे तो दो ही गिलास डालें,
अब हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें सीटी लगा देंगे, ढक देंगे इसको और इसे 4 से 5 सीटी आने तक पकाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, रेडी है हमारी घी की दाल। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। तो बनाइए और टेस्ट कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी रेसिपी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अनदर वीडियो।